24 का रन और 7 उच्चरण बड़ा ही अहम और बड़ा ही दिलचस्प है, और देखने वाली ये बात ये होगी कि 4 जून 400 पार या कांग्रेस का कहना कि 4 जून 40 भी बीजेपी नहीं पार कर पाएगी। आज तमाम राजनीति को समझने वाले लोग मेरे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार अगर भाजपा की 400 सीट आती हैं तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो भाजपा 400 सीट हासिल करेंगी। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो राजनीति में अपने कई साल व्यतीत कर चुके, तो सर हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विजय मिश्रा जी। विजय जी, हमको आप एक बात समझाइए कि 4 जून 400 पार का जो मंत्र मोदी जी ने दिया, उसको किस तरह आप उस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले कानपुर से स्टार्ट करता हूँ जी। कानपुर के मोदी जी के द्वारा कानपुर में एक अभूतपूर्व विकास हुआ है जी। इतिहास बना है, चाहे रेलवे का उपगामी पुल हो जी, चाहे आपका गोल चौराहे से लेके एलिवेटेड पुल हो जो रामाजी उतर रहा है, इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पुत्री हैं हमारी, ये जनता का वाह है। कानपुर में आप चले जाइए, 10 साल का पुराना इतिहास देख लीजिए, और वर्तमान में 10 साल से हमारे जो सांसद हैं और वर्तमान में जो काम हो रहा है, ये सब मोदी जी के द्वारा हो रहा है जी। लेकिन कांग्रेस से किस तरह फाइट करेगी पूरे देश भर में भाजपा? मुझको नहीं लगता है कांग्रेस से 2 डिजिट में आ पाएगी। कांग्रेस की स्थिति है, जो 550 साल में जिन लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, वो इतिहास बना, उसका समाधान 22 जून को हो गया है मोदी जी के द्वारा कानून के माध्यम से। जो लोग विपक्ष के लोग कहते थे कि खून खराबा हो जाएगा, एक मच्छर तक नहीं भरा, कानून के माध्यम से राम जन्मभूमि का विकास हुआ और भव्य मंदिर, जो कभी रामलला टाट में रहते थे, आज रामलला भव्य मंदिर बना है। जो विपक्ष कहा करता था मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उन्होंने इतना पाप का काम किया है, वो अपना उनको एक अच्छा अवसर मिला था, अपने पाप धुल सकते थे, उन्होंने राम जन्मभूमि का आमंत्रण ठुकराया। इससे बड़ा पाप हमको नहीं लगता है कि सनातन धर्म में हो सकता है, पूरे हिंदू समाज के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए। उन्होंने कानून के माध्यम से राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य विकास किया है। विपक्ष यही तो पूछ रहा है कि मोदी जी को वोट जनता काम पे देगी या राम पे देगी? राम हमारे आस्था हैं, काम हमारा विकास है जी। हम दोनों चीज़ें लेके एक पैरेलल चल रहे हैं जी। दोनों में हमको 100% से 100% सफलता मिली है जी। तो सफलता आपको क्या मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि दहाई का भी आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होने वाला है? ये कांग्रेस की जो दुर्गत हो रही है जी। कांग्रेस ने पिछली बार भी कहा था कि मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे, 2014 में भी कहा था, ये सब हस्र देख चुके हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमसे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं, आम जनमानस जानता है। आप विभिन्न जगहों पर सर्वे कर रहे होंगे आम पब्लिक से, वो सब सर्वे बता रही होगी, आम पब्लिक का जो रुख है मोदी जी की ओर है। मोदी जी की ओर इसलिए है कि धारा 370 सबका साथ सबका विकास, मोदी जी खाली एक सनातन धर्म हिंदू समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए, मोदी जी का 3 तलाक के माध्यम से जो मुस्लिम महिलाओं का अभी तक शोषण हो रहा था, 3 तलाक के माध्यम से उनको आज़ाद किया है। उनके एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप जी, ये मोदी जी का विजन है। मोदी जी ने धरातल पे करके पूरे विश्व को दिखलाया, आज भारतवर्ष पूरे विश्व में मोदी जी का नाम डंका पिट रहा है, भारतीय जनता पार्टी का डंका पिट रहा है जी। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का डंका पिट रहा है, लेकिन कांग्रेस कहती है भाई विदेश में जाकर फोटो खिंचवा लेना, कोई विकास थोड़ा ही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। कांग्रेस के पास एक मुद्दा है कि बस मोदी को हराओ और मोदी का विरोध करो जी। मोदी जी ने जो इस देश के लिए काम किए हैं, उसमें ऐसे ऐसे अहम काम हैं, जो 500 साल से जो यहाँ की आस्था का प्रतीक था राम मंदिर, उसके लिए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा समर्थन न मिलने के कारण राम मंदिर अटका रहा। लेकिन आज मोदी की फुल फ्लेश सरकार है मोदी जी की, और राम मंदिर का निर्माण का जो उन्होंने गारंटी ली थी उस गारंटी को पूरा किया है, और मोदी की गारंटी पूरे भारत में आज डंके के साथ ये गारंटी चल रही है, आज पूरे देश में ये गारंटी चल रही है। और मोदी जी ने कहा कि हर नल से जल जी। एक नारा, 3 तलाक को ख़त्म करना है एक नारा, राम मंदिर बनवाना है ये नारा, यानी जो भी उन्होंने कहा है, किसानों को निधि, हर सम्मान निधि साल में 6,000 रुपये, ये मोदी जी का नारा था, वो पूरा करके दिखाया है उन्होंने, 370 हटाया है। और जम्मू कश्मीर में जहां लोगों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, युवाओं के हाथ में, आज उन हाथों में लैपटॉप है, और जम्मू कश्मीर का पूरा विकास
मोदी जी ने करके और अमित शाह ने करके दिखाया है। आज पूरी दुनिया में मोदी जी ने जो अपना वर्चस्व दिखाया है वो शायद किसी भी देश का सुप्रीमो नहीं कर पाया है जो मोदी जी ने करके दिखाया है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आई देश में आग लग जाएगी। आग देखिए, कांग्रेस की बातें खाली बातें करती है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है कांग्रेस के पास। और वो कांग्रेस जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी वो कांग्रेस दूसरी कांग्रेस थी, लेकिन आज की कांग्रेस अपने कर्मों के कारण आज समाप्ति की ओर है। और पूरे भारत में एक दिन ऐसा आएगा, आप देख लेना बहुत जल्द, कि कांग्रेस का नाम लेवा कोई बचेगा नहीं और कांग्रेस पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी कुछ लोगों से कह रहे हैं कि भाई अगर भाजपा मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए संविधान बदल देंगे। देखिए, ये इनके जुमले की बात कहाँ से, ये इनके जुमले हैं, इनके पास करने धरने को कुछ नहीं है। विदेशी संस्कृति का व्यक्ति है, इसकी माँ विदेशी है, ये खुद विदेशी है, इसके ब्लड में भारत से कोई इनको प्यार नहीं है और भारत की परंपराएं संस्कृति से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जो है अपने वंशवाद की लड़ाई के लिए, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़े हैं। और आपको बता दूँ कि जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो यही सोनिया गांधी, इसी ने पेपर में स्टेटमेंट था कि भारतवर्ष में राजनीति करने से अच्छा है कि कटोरा लेकर के भीख मांग लो, लेकिन भारत में राजनीति मत करो। और वही सोनिया गांधी आज राजनीति के लिए और वंशवाद के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए लड़ाई हो रही है। क्या मानते हैं आप, अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी, उनकी माता विदेशी, अगर इनको देश से प्यार ना होता तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करते भाई साहब? देखिए, ये इनका प्रयास है कि हम फिर से कांग्रेस को जिंदा कर लेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं। इस देश के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति, जिसने काम किया है इस देश के लिए, जिसने देश की जनता के लिए काम किया है, केवल वही यहाँ पर सत्ता में आएगा और वही शासन करेगा और उसी को जनता गद्दी पर बैठाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, एक राहुल गांधी की गारंटी है, कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे, 8500 देंगे, ऐसे देंगे। देखिए, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि 1 लाख देंगे। मोदी जी ने कभी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को ही भत्ता देंगे, बेरोजगार को भत्ता देंगे, पुरुषों को देंगे। भाई, राहुल गांधी देंगे कहाँ से? हमको कैलकुलेशन बता दें कि कहाँ से महिलाओं को देंगे, कहाँ से क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये खाली इनकी बातें हैं और ये सत्ता पाने का इनका एक तरीका है। लेकिन मोदी जी ने जो भी गारंटी ली है आज तक वो पूरी करके दिखाया है। मोदी जी ने एक एक चीज करके दिखाई है। मोदी जी ने डबल इंजन के बारे में कुछ ख्याल है आपका? डबल इंजन की सरकार में केंद्र से जो भी योजनाएं आती हैं पूरी प्रदेश में पहुंचती हैं और प्रदेश की योजनाएं भी प्रदेश में लागू रहती हैं, लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर केंद्र की योजनाओं को नकारा जाता है। एक पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है कि वहां पर मोदी जी की जो भी योजनाएं आई, ममता जी ने उनको जनता तक पहुंचने नहीं दिया, धरातल पे नहीं है वहाँ पर। और यही डबल इंजन सरकार अगर होती तो वहाँ पर जनता को पूरा लाभ मिलता, केंद्र का लाभ मिलता, प्रदेश का लाभ मिलता और सारा कुछ अच्छा होता। कांग्रेस ने एक शगुफा और चलाया था कि भाई चाइना अंदर घुस गया। प्रियंका गांधी बोल रही है कि मोदी जी सबसे कायर प्रधानमंत्री है, ना 56 इंच का सेना है, वो 28 का रह गया मोदी जी। कांग्रेस देखिए, चाइना कांग्रेस इसके पूर्व में कहा करती थी जब हमारे पूरे विश्व में हम कोरोना से प्रभावित थे, यही अखिलेश यादव कहा करते थे ये कोरोना की वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आपने देखा इन्होंने देश को कैसे बरगलाया, पूरे देश को, और फिर अखिलेश यादव ने खुद पूरे अपने परिवार को वैक्सीन लगवाई। इनको हर काम में, प्रधानमंत्री जी की हर विकास के काम में रोड़ा अटकाना, विरोध करना इनका एक विजन है। और रही बात आप जो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार आप देख रहे थे, आज से आप योगी जी मुख्यमंत्री के पूर्व आप चले जाइए, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता था जब अपराध के मामले में यूपी बिहार का नाम नहीं आता था। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कहा था, एक गरीब माँ के बेटे को, जो उमेश पाल के बेटे को जो हत्या की गई थी, राजू पाल की जो हत्या की गई थी, हत्या ही नहीं की गई थी, ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसने पहले मारा राजू पाल को, उसके बाद जो अस्पताल जा रहा था उसके ऊपर 40-50 गोलियाँ बरसाई, इसके बाद उमेश पाल की हत्या की, उमेश पाल की ऐसे हत्या नहीं की, एक गरीब का माँ का बेटा था, उसका अपराध क्या था? उसने एक अपराधी के खिलाफ गवाह तो दिया था ना, यही तो उसका अपराध था कि मोदी ने संकल्प लिया था हम इन अपराधियों को हम मट्टी मिला देंगे। मोदी जी ने करके दिखलाया, जितने भी दुर्दांत अपराधी, योगी जी ने जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं आज मट्टी मिल गए हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या तो भूंगत हो गए हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की उपलब्धियाँ हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, रात 11 बजे हमारी महिलाएँ बच्चे स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं,
दो दो तोले के जेवर हैं, आराम से घूम रहा है। अच्छा अच्छा अपराधी डर रहा है। अब रात से भयमुक्त समाज जो उन्होंने कहा था, वो भयमुक्त समाज धरातल पर उतार के उन्होंने दिखलाया है योगी जी ने। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन में बहुत दम है, लेकिन जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं डबल इंजन में कोई से भी इंजन में दम ही नहीं है। देखिए, डबल इंजन का मतलब क्या होता है जी? जब मोदी योगी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, उसका मतलब होता है कि केंद्र से जो भी योजना प्रदेश में आएगी वो सही ढंग से लागू होगी। इसका ये होता है डबल इंजन। और यही अगर दूसरी गवर्नमेंट हो तो उसमें रोड़े लगते हैं जी। वो फिर सही ढंग से जमीन पे वो योजना लागू नहीं हो पाती, जैसा कि कई राज्यों में हुआ है। अब से पहले छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही था, राजस्थान भी ऐसा ही इसके था। इसके पहले महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का आज तक जो 10 साल हो गए, उसका कारण यही रहा है। जो बीच में 2.5 साल गवर्नमेंट रही है दूसरी गवर्नमेंट महाविकास अघाड़ी की, उनकी वजह से वहां पर जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पाया जी। इस वजह से आज तक वो 10 साल हो गए उसको लटका हुआ है। अब जैसे ये गवर्नमेंट आई है फिर उसमें काम तेज हो रहा है, और वो जल्दी हो सकता है वो भी योजना जमीन पर आ जाएगी जी। 4 जून 400 पार कैसा गुरु मंत्र मोदी जी ने दिया? नहीं, 400 पार ठीक है, 4 जून 400 पार वो अपने काम पे मांग रहे हैं जी। 10 साल जो उन्होंने काम किया है उस पे वो 400 पार की बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि 400 पार ये कोई ऐसी चीज नहीं है, 400 पार ऐसे आदमी कह देगा हवा में। उन्होंने काम किया, उन्होंने उन लोगों को, उन महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया है, जिनकी आँख धुएं से खराब होती थी उनको गैस सिलेंडर दिया, उनके आंखों को बचाया है, तब वो 400 पार की बात करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, 5 किलो राशन अनाज दे रहे हैं, कोरोना में लोगों को खाने को नहीं था, लोग सड़क पर घूम रहे थे, तमाम लोग अपने घरों से बनवा बनवा के लोगों को खाना खिला रहे थे जी। तो सरकार ने एक योजना लाई कि भाई सबको कोई भूखा ना सोए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए, कोई भी सरकार है, उसके कोई भी सरकार आती है उसके हाथ में सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, भूखा ना सोए, और दूसरा लाइन ऑर्डर सही रहे जी। वही पुलिस है जिसको सैलरी सरकार देती है जी। लेकिन उससे अगर सही ढंग से काम ना लिया जाए तो अपराध बढ़ता है जी। अगर उसी पैसे से उनसे सही ढंग से काम लिया गया तो लाइन ऑर्डर व्यवस्थित हो जाता है। अच्छा। वो योगी जी ने किया जी। सबसे पहला काम सरकार का यही होता है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, नागरिक को सुरक्षा देने का। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला काम यही होता है जिसमें कोई पैसा अलग से नहीं लगना है, यही काम होता है। तो वो इम्प्लीमेंट है आज के समय में यूपी के अंदर बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ आप जाइए और जो विरोधी हैं उनसे भी पूछिए आप जी। कि सरकार कैसा काम कर रही योगी जी की, तो दबी जबान में जब आप उनसे आखिरी में चलेंगे ना कि लाइन ऑर्डर, बोले हाँ लाइन ऑर्डर के तो सुधरा हाँ। ये जरूर दबी जबान में कह जरूर, क्योंकि विरोध करना है हाँ। विरोध तो करेंगे लेकिन आखिरी में कह देंगे हाँ। कह देंगे आप यहाँ नहीं, आप पश्चिम बेल्ट में जाइए जहाँ सबसे ज्यादा लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब थी, जहाँ लोग अपनी भैंसों को अपने कूटे से बांध के सोते थे, वेल पे सोया करके, जो ट्यूब वेल होता है उसमें में तब भी वो भैंस खुल के चली जाती थी जी। आज उनसे पूछिए जाके उनकी क्या भैंसें खुल रही हैं? आज नहीं खुलती है वहाँ भैंस। तो ये सबसे बड़ा काम सरकार का यही होता है, नागरिक को सुरक्षा देना जी। अब आप इधर आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? ललित पाल जी। आप बताइए किस तरह देखते हैं 10 साल के कार्यकाल को और 2024 के चुनाव को? 24 के चुनाव को देखिए एक रंग रूप अलग तरीके का मिला हुआ है, जिस तरीके से लोगों के बीच में रुझान दिख रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशंसा चल रही है, लोग गारंटी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, हम लोग की गारंटी जो हम लोग प्रदेश में है, तो प्रदेश में योगी जी की एक बड़ी भूमिका है। लोग बहुत कहते नहीं कि एक अपने नेता से बड़ी आशाएं रखे हुए हैं, सारी चीज़ों का प्रचलन है, तो योगी जी उस पर खड़े उतरे हैं। और आशा यही है कि जो पूरी सीटों पे अगर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटों का मार्जिन है, 80 में 80 आ रही है। आप बताइए युवा तो राहुल गांधी के साथ में होंगे, आप युवा राहुल गांधी के साथ किस तौर पर युवा राहुल गांधी के साथ होगा? इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? लाखों करोड़ों नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बात कर रहे हैं ना हाँ। अगर बात करते तो बात तो इनके बाबा के बाबा पर बाबा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया, तो उन्होंने कितने युवाओं को काम कर दिया। अगर वो ना करते तो 60 साल तक ये भारत देश अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी कांग्रेसियों का गुलाम ना होता अगर वो युवाओं की बात करते जी। अगर उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बात करती तब भी आज देश गरीबी और भुखमरी से नहीं जूझ रहा होता। किस कौन युवा उनके साथ है बताए ना? अरे उनकी यात्रा में तो बहुत से युवा थे। अरे खुद वो 54 साल 55 साल के हो गए, किस बात के युवा बचे आप बताइए? किस बात के युवा बचे?
युवाओं के लिए उन्होंने कोई एक काम किया हो बताइए, कोई भी एक अगर ऐसा काम किया हो जो बता सकते हैं। घोषणा तो कर दी ना बेरोजगारों को बता, घोषणा तो उनके पिताजी ने भी कर दी थी कि केंद्र सरकार से एक रुपया चलता है नीचे तक 10 पैसा पहुंचता है। ये कोई तथ्य है, ये कोई बात है? किसके साथ हो फिर? हम जो देश की बात कर रहा है, जो राष्ट्रहित की बात कर रहा है, जो राम की बात कर रहा है, जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, हम उसके साथ है। तो आज के दौर में इस पूरे भारत देश में इस विषय को अगर कोई कर रहा है, नेपाल मंदिर अगर कोई जा रहा है, त्रिपुंड टीका लगा रहा है, मंदिर माला पहन रहा, तो सिर्फ मोदी जी, तो मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी की मैं आपको फोटो दिखा दूंगा अभी उज्जैन की, कितनी बिल्कुल सही बात, त्रिपुंड भी और उज्जैन। हम समझ रहे हैं ये वही राहुल गांधी हैं जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले रोजा इफ्तार पार्टियों में जाते, तब इनको मंदिर और मस्जिद नहीं समझ में आया, तब खाली इनको हरी चादर और मक्का मस्जिदा महबूबा मुफ्ती और इमाम कादरी और फारूक अब्दुल्ला ये लोग नजर आते थे, उमर अब्दुल्ला ये लोग नजर आते। अब क्यों मोदी जी के ही जाने के बाद इनको हिंदू देवी देवताओं के ध्यानों से आना आ रहा है? वो देख रहे हैं कि भाई लोगों की आस्था है तो बढ़ गए वो उस तरह। इसको दिखाने वाला कौन है? एक भारत देश कर्म प्रधान देश है ये। हाँ। यहाँ पे राम पूजे जाते, रहीम पूजे जाते, लेकिन इनकी पूजा करना लोगों को दिखाया किसने, समझाया किसने? ये मोदी जी जब आए तब ये चालू हुआ है। अरे राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, वो बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं को भक्ति में राम नाम में कहाँ मोदी जी ले। हमको लगता है ये पूरा जो चुनाव अब किया 2024 का, ये राहुल गांधी का टॉपिक ही नहीं है। राहुल गांधी सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिसके सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी हैं, उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो स्वयं किस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जरा बता दें। अभी तो वायनाड पहुंच गए हो, तभी तो बोल रहे हैं ना। सबको पता है उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है, उत्तर प्रदेश जो का रास्ता, जो दिल्ली की केंद्र का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश होते हो जा, क्या वो 17 सीटों पर चुनाव लड़के जो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी माता जी को राज्यसभा भेज चुके हैं, बता दें प्रियंका गांधी जी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, कौन चुनाव लड़ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बता दें, या अखिलेश यादव बात कर रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो भी ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं मुझको बता दें, कोई भी मेरा साथी, कोई भी मित्र बता दे, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता बता दे, अखिलेश यादव जी जो खुद को इतना बड़ा नेता अपने आप को मानते हो, उत्तर प्रदेश की किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? गठबंधन की बात मायावती जी कर रहे हैं, मायावती जी कौन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं, सॉरी गठबंधन की बात वो ममता बनर्जी जी कर रहे हैं, ममता बनर्जी कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं? तमिलनाडु के CM स्टालिन कर रहे हैं गठबंधन की बात, वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल गठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है आप बताइए ना? हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो चोल दरवाजे से जाना? इसलिए जनता आप सब जान चुकी है, सबके सबको सामने, और वाकई 4 जून 405 ये हम लोग कह रहे हैं, ये हम लोग आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाद में, हम लोग आम जनमानस, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने अभी तक जो काम किया, हमारे जो वरिष्ठ ले हमारे पिताजी बाबा पर बाबा रहे हैं, उन्होंने बीता हुआ 50 साल देखा, उन्होंने विकसित भारत को देखा जो इन 15 सालों में, अब हम लोग आने वाले 50 साल विकसित भारत को देखेंगे, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखना। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 4 जून 400 पार का नारा तो ठीक है, 5 जून का योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के CM है उनका जन्मदिन है, तो क्या ये संयोग है? देखिए संयोग नहीं है, ये तो हर प्रतिवर्ष 5 जून को उनका जन्मदिन होता है, और संयोग से अब की बार 4 जून को रिजल्ट आ रहा है जी। और ये जो रिजल्ट आएगा 400 पार का, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 सीटें लोकसभा की आएंगी, ये मोदी योगी जी को एक तोहफा होगा उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कि अब की बार 80 की 80 पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। ये लोग बोल इस बार मैनपुरी, कन्नौज, मुरादाबाद, रामपुर ये सब सीटें भी भाजपा पहले से निश्चित रूप से। मैनपुरी में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है जी। सपा ने कोई काम नहीं किया, केवल गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में रही है इनकी सरकारों में, और मैनपुरी भी अब की बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा वहाँ से, और चाहे बदायूं हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, कहीं से भी लड़ेंगे इनका सफाया हो जाएगा सपा का, क्योंकि सपा के पास में बड़ा टेम्पू है, कोई भी अपना कोई भी आधार नहीं है, ना इनके काम का आधार है, ना इनकी बातों का आधार है, ये केवल जातिवाद का चुनाव लड़ते हैं, केवल मुसलमान और यादों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, और इस देश में मोदी जी ने जातिवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है,
और जातिवाद पर अब कोई भी चुनाव इस देश में नहीं होने वाला। आने वाले समय में विकास के नाम पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पूरी टीम चुनाव लड़ रही है और विकास के नाम पर ही वोट मोदी जी को मिलेगा और अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, ये विकास के नाम। एक नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है कि इंदिरा गांधी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना? देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनना 100% है, तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है। और प्रदेश में योगी जी ने जो अपना सुशासन यहाँ पर कर रखा है, ये उसका भी एक ये आधार है कि पूरे देश में मोदी सरकार अब की बार बहुत बड़ी संख्या में लोग सांसदों को लेकर के आ रही है। एक बात बहुत कही जा रही है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात बोली थी लेकिन युवा को सिर्फ धोखा मिला, युवा को ठग लिया मोदी जी ने। नहीं, ये बात कि कौन कह रहा, किससे कह रहा? मैं स्वयं युवा हूँ। विपक्ष के लोग कह रहे हैं भाई 2 करोड़ रोजगार, विपक्ष को पास कोई मुद्दा ही नहीं है कहने के लिए। यही विपक्ष अभी तक चिल्ला रहा था राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम सीना ठोक के कहते हमने राम मंदिर भी बताया, तारीख भी बताई 22 जून को, जिसके आम सब गवाह हैं, लेकिन वो आए नहीं। ये उनका फिर वही बात, ये उनका दुर्भाग्य है। ये हमारे यहाँ एक कहावत चल रही है, हमारे नेता लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे थे मनी छत्तीसगढ़ जी, जाके प्री राम ना बैदे ताको वोट कदापि ना दे। हाँ। तो ये है जिन्होंने प्रभु श्री राम को ठुकरा दिया, वो किस जनता पे किस मुंह से अपने पब्लिक के बीच वोट मांगने जाएंगे, जनता से क्या कहेंगे, किस क्या क्या वोट मांगेंगे, बताइए ना। अब तो उनके पास मुद्दा भी नहीं, हमने तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बताया, भव्य और दिव्य बना वो राम मंदिर जिसकी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने वो समारोह मैंने भी देखा था टीवी पे, आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा, आप देखा कितना बड़ा एक आयोजन, भव्य और दिव्य आयोजन किया गया, बहुत बड़ा एक मतलब जैसे देव दीपावली टाइप की थी, वो देव दीपावली मनाई गई। वाकई वो रघुवीर खेले होली में रघुवीरा, तो आप अब की बात वाकई 4 जून को हम लोग होली खेलेंगे, हमारे प्रभु श्री राम लला महाराज जी भी स्थापित हो गए, हम लोग जम के होली खेलेंगे। आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाहर से पड़े हैं, क्यों आपको नहीं वो चीज आकर्षित नहीं करती कि वो इस बात को बोलते हैं कि भाई हम लोग बाहर से पढ़े हैं, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा हम अच्छा काम करें? हाँ, उनके पास ज्ञान है सबसे ज्यादा, उनको उनकी पार्टी का घोटाले करने का ज्ञान है सबसे ज्यादा, उनको उनकी पार्टी उनके नेताओं को दलाली और भ्रष्टाचारी करने का ज्ञान है सबसे ज्यादा, उनको लोगों को भटकाने का ज्ञान है, वाकई उनके पास ज्ञान है। ये ज्ञान अपने भारत में नहीं है, भारत के बाहर ही है, और उस हम भारतवासियों को उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या ये बात कांग्रेस का कहना ठीक है कि कांग्रेस का कहना है कि भाई कांग्रेस के पास जो अनुभव है देश को चलाने का वो मोदी या भाजपा के पास में नहीं है 10 साल में? आपको कांग्रेस के पास जो भी अनुभव है जी, वो केवल देश को लूटने घसुटने और आतंकवाद का अनुभव है जी। भारतीय जनता पार्टी ने एकता अखंडता की भारतवर्ष की लड़ाई सदैव लड़ी है, देश हित में लड़ी है, हमने कश्मीर को भी अपना माना है और आज कश्मीर हमारा है। धारा 370 हमने ख़त्म की, राम मंदिर हमने बनाया, और देश का चतुर्मुखी विकास हमने किया। इन लोगों ने लूटने घसूटने का सिर्फ काम किया है और इनके पास ना कोई मुद्दा है, ये महा ठगबंधन है और ये विपक्ष कहीं है ही नहीं जी। आज हम लोग विपक्ष की बात करें तो विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष का सफाया हो गया, विपक्ष साफ हो चुका, विपक्ष है ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में पूरे अभी नहीं 25-50 साल रहेगी जी। अभी तक जब भाजपा सत्ता से बाहर थी तो समाजवादी पार्टी हो या मायावती हो या कांग्रेस हो, ये सब कहा करते थे कि भाजपा आएगी मुसलमान को खा जाएगी, लेकिन हमने देखा जमीन पे कि सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला माइनॉरिटी को मिला, चाहे घर बने हो, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हम तो रोज़ घूमते हैं गलियों में चौराहों पे। लेकिन क्या मानते हैं आपके मुसलमानों का वोट इस बार भाजपा को, क्या मानते हैं आप? कितना देखिए, सभी दल मुसलमानों की वोट? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उन्होंने ये नारा दिया था जी। वो नारा फिर से सिद्ध होने जा रहा है जी। और अब की बार मुसलमान भाई भी इनको पूरी तरह कतई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के साथ पूरी तरह आ चुकी है पूरी जनता देश की जी। और भाजपा मैं ही होगा, भगवा लहराएगा, दूसरा कहीं कुछ नहीं आएगा। मोदी मैजिक और राम लहर बराबर बरकरार है अभी?
राम लहर तो बरकरार है, लेकिन मोदी जी की क्रेडिट इतनी अच्छी है जो पूरा वर्ल्ड मानता है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि देश मानता है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य देश मतलब सारे मोदी के अनुसार मोदी की प्रशंसा करते हैं, मोदी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और उनको अपना नेता मान चुका है पूरा वर्ल्ड। धन्यवाद। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।